वी द पीपल, हम लोग, एक पूरा भारत हमारा देश है। जो लोग भारत में घूमते हैं या भारत को देखते हैं या भारत में भ्रमण करते हैं, उन्हें समझ में आएगा कि भारत कितना बड़ा देश है। पूरे भारत में आज के समय में 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि केंद्र शासित राज्य हैं। कुल मिला के 37 स्टेट कह सकते हैं और 731 के करीब जिले हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 731 हैं आज के समय में। 5,650 तालुका या सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील या जो भी इस एरिया में जिस भाषा में बोला जाता है, जिलों के जो सब डिवीजन होती है, जो टुकड़े होते हैं, वो लगभग 5,650 हैं और लगभग 6,49,481 गांव हैं। 6,49,000, यानी कि 6.5 लाख गांव हैं पूरे भारत में। 6.5 लाख गांव का कोई आदमी अपने जीवन में नाम भी नहीं याद रख सकता। अगर कोई लिस्ट भी बनाएगा, 6.5 लाख लिखेगा, तो महीनों तो उसको लिस्ट बनाने में ही लग जाएंगे। कितना बड़ा देश है। 22 लगभग मुख्य भाषाएं हमारी, यानी जो पाली भाषा से बहुत सारी भाषाएं बनी हैं, वो लगभग 22 मुख्य भाषाएं, वैसे तो सारी भाषाएं बनी हैं, और लगभग भारत के 90% लोग इन भाषाओं को बोलते हैं। 6,743 ऑफिशियल जातियां जो SC ST OBC की हैं, और इसके अलावा कुछ लोगों ने तो अपनी जाति बनाई नहीं, उनके वर्ण चलते हैं, यानी वो जातियों में विश्वास नहीं करते, सिर्फ जाति नीचे के लोगों के लिए बनाई गई हैं। 6,743 जातियों में टूटे पड़े हैं सारे लोग। लगभग 137 करोड़ के करीब आबादी है, और 137 करोड़ में 90% जो आबादी है वो भारत के जो यहाँ के लोग हैं, जो यहीं पैदा हुए, जो सदियों से यहीं पैदा होते चले आ रहे हैं, चाहे उनको आदिवासी बोलें, चाहे उनको आज की भाषा में कोई उनका शेड्यूल बनाए या शेड्यूल का कोई भी उनको कास्ट सिस्टम बनाए, वो लोग यहाँ के हैं, जो यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं, यहीं रहते हैं, जिनकी सारी भाषाएं, लैंग्वेज सब यहीं की हैं, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके वंश यहीं चले आ रहे हैं। लगभग 20 लाख के करीब पूजा स्थल हैं जिनको मंदिर बोलते हैं, और 3 लाख के करीब पूजा स्थल हैं जिनको मंदिर बोलते हैं। लगभग 5,150 के करीब पूजा स्थल हैं जिनको चर्च बोलते हैं। गुरुद्वारे और बाकी जो लोग हैं उनकी गिनती का अभी पता नहीं है। जो अंबेडकर भवन, कबीर भवन, रविदास भवन या जो आज की डेट में बुद्ध विहार है, वो बहुत कम संख्या में हैं, उनको गिनतियों पे गिना जा सकता है कि उनकी संख्या कितनी है। लगभग 900 यूनिवर्सिटी हैं सारी मिला के। कई प्रकार की यूनिवर्सिटी होती हैं, प्राइवेट होती हैं, गवर्नमेंट की होती हैं, सेंट्रल होती हैं, डीम्ड होती हैं, और भी कई प्रकार की हैं। वो मिला के 900 यूनिवर्सिटी हैं, और लगभग 40,000 के करीब सारे प्राइवेट और सब तरह के जो गवर्नमेंट के या प्राइवेट या अलग तरह के कॉलेज हैं, वोकेशनल टाइप के, वो 40,000 के करीब कॉलेज हैं, और लगभग 11 लाख के आसपास में स्कूल हैं। ये डाटा है, ये डाटा नेट से लिया गया है। ये डाटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समण समाज, जो भारत का मूल समाज है, समण समाज है, उसके बहुत सारे नेता हैं, और सभी नेता अपने आप को राष्ट्रीय नेता बोलते हैं, और सभी नेता कहते हैं कि हमारा 28 राज्य और 7 यूनियन स्टेट में और सभी लोगों तक, 6.5 लाख गांव तक हमारी पकड़ है। मगर परिणाम ये है कि उनके इस अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन के बावजूद भी, और इतने सारे संगठन के बावजूद भी, जो बाबा साहब अम्बेडकर लेके आए वो तो सब चला ही गया, अब उससे ज़्यादा भी जा रहा है, यानी कि हमारा नुकसान डे बाय डे हो रहा है। और संगठन 10,000 बन गए, हम 6,743 जातियों से परेशान थे, इन 10,000 से ज़्यादा संगठनों को और हम झेल रहे हैं, यानी कि अब ये 17,000-18,000 के करीब जातियाँ हमारे सर पर आ गई हैं। इनका दाना पानी खाना वो सब हमारे ही सर के ऊपर है, हम ही करते हैं, और हम इस लालच में करते हैं कि ये नेता हमारे समण समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। मगर ये नेता जितने भी हैं ये इकट्ठे नहीं हैं, क्योंकि ये सब आधे इंटेलेक्चुअल हैं, हाफ इंटेलेक्चुअल हैं, ये आधे बुद्धिजीवी हैं। ये हमको कहते हैं कि आप संगठित हो जाइए, इकट्ठे हो जाइए तो कुछ होगा, और ये आपस में इकट्ठे नहीं होते, बल्कि अपने अपने कार्यकर्ता को एक दूसरे से लड़ाते रहते हैं, और कार्यकर्ता भी इतने नासमझ हैं कि वो इनका झंडा उठा के और लड़ते रहते हैं आपस में, और कभी ये नहीं कहते कि आप एक क्यों नहीं हो रहे हैं। कि एक नेता मुझे मिले, उन्होंने ये कहा कि हम तो
ज़्यादा काम करते हैं और जो ज़्यादा काम करेगा, जिसकी लकीर ज़्यादा बड़ी होगी, वो नेता सबसे आगे रहेगा। मैंने उनसे कहा कि ये आप क्या हमारे बिहाब पे, हमारे जैसे साधारण लोगों के जो हम पैसा देते हैं या समय देते हैं या बुद्धि देते हैं, आप कंपटीशन कर रहे हैं? आप लाइन लाइन खेल रहे हैं कि मेरी लाइन ज़्यादा बड़ी है, मेरी लाइन ज़्यादा छोटी है, मेरी रेखा ज़्यादा बड़ी है, मैं जीतूंगा? ये समय क्या ऐसा है क्या? इसलिए आपको हमने ये किया था? आपको इतनी समझ नहीं है कि आप सब इकट्ठे हो जाएंगे तो समस्या एक घंटे में ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी लाइन बड़ी जीवन बाद में फिर बनाते रहना? अभी तो लाइन बनाने का समय नहीं है, अभी तो आपातकाल है। हमारे सारे अधिकार जा चुके, हमारा देश गड्ढे में जा चुका, हमारा देश जो अशोक के समय बहुत ऊपर था वो बहुत नीचे हो गया, बिकॉज आप आधे बुद्धिजीवी हैं। आपको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि हमको कहते हैं कि इकट्ठे हो जाओ और खुद इकट्ठे नहीं होते। अगर हम भी आपस में लाइन खींचना शुरू कर दें और आपकी बात ना माने तो आपका क्या होगा? अगर हम आपको पैसा देना बंद कर दें तो आप क्या करेंगे? आपकी मीटिंग में हम आना बंद कर दें तो आप क्या करेंगे? 14 अप्रैल 2020 तक समर समाज ने जो 8 नवंबर को दिल्ली में घोषणा हुई है उसके अनुसार आप एक हो जाइए। अगर आप एक नहीं होते हैं तो आप हमारे किसी काम के नहीं हैं, आपसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब आप ही संगठित नहीं हो सकते तो हमें संगठित करने का आपका मॉरल राइट, आपका नैतिक आधार ही जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है। कृपया करके पूरे बुद्धिजीवी बनिए, अधूरे बुद्धिजीवी मत बनिए, हाफ इंटेलेक्चुअल मत बनिए, पूरी बात समझिए। हमें संगठित होने के लिए कहते हैं, पहले आप होइए और इस काम को अपना ईगो और अपना अहम छोड़ के कीजिए, राष्ट्र हित में कीजिए, हमारे हित में कीजिए, अपने हित में कीजिए, वरना आपका निशान, आपका दास्तान भी नहीं रहेगी दास्तानों में। कहीं आप ये ना समझें कि बाबा साहब अम्बेडकर आप बनने चले हैं और आपको दुनिया बहुत ज़्यादा ब्लेम करेगी और दोष देगी इस बात के लिए कि आप समय रहते एक नहीं हुए। अदरवाइज़ हमारा नुकसान नहीं होता, राष्ट्र का नुकसान नहीं होता, देश का नुकसान नहीं होता, बच्चों का नुकसान नहीं होता, ये देश बिल्कुल ठीक चलता है। इसलिए देश हित में आइए, एक साथ आइए, 14 अप्रैल 2020 तक एक साथ हमें समाचार दीजिए। धन्यवाद।